नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। नगर निगम चुनाव के चलते नाजायज शराब बेचने वालों की तरफ से भी अपने काम में तेजी लाई जाती है, लेकिन वहीं चुनाव कमीशन की हिदायतों के अनुसार पंजाब पुलिस भी पूरी तरह से चौकन्नी होकर ऐसे अंसरों के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्यवाही कर रही है। इसी के चलते बटाला पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब बुकबीर खास की तालाब पर CIA स्टाफ बटाला की तरफ से नाकेबंदी के दौरान गाँव कोहाली में एक ट्रैक्टर ट्रॉली को शक के आधार पर रोककर चेकिंग की गई तो उसमें 375 पेटी नाजायज शराब फर्स्ट चॉइस मार्का हरियाणा की बनी बरामद की गई और ट्रैक्टर चालक महकदीप सिंह से एक रिवॉल्वर, 32 बोर और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। वहीं SSP बटाला रचपाल सिंह ने यह बताया कि इस केस में 3 लोगों को नामजद किया गया है, जिनमें एक ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया गया है और बाकी 2 की तलाश जारी है। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। मानजोग इलेक्शन कमीशन वालों जो कि सख्त हदायत आई हुई सी कि लॉ एंड आर्डर मेनटेन किया जाए और नशे नूं ठल पाई जाए, जिहड़े PO ने स्केप ने गैंगस्टर ने समगलर ने उन्होंने सख्ती दे नाल फड़िया जाए और निपटिया जाए। सो इहदे तहत ही असी जिहड़ा है वह पिछले दिनों तो एक कैसो प्रोग्राम जिहड़ा हैगा वह चलाया हैगा, जिहदे च असी काफ़ी भारी तादाद च जिहड़ी नजायज शराब लाण और ठेका अंग्रेजी शराब है वह फड़ी है, जिहदे च काफ़ी वड्डी रिकवरी भी होई है। सो इहदे तो अलावा असी 8 PO भी फड़े आ और इस तरह ही इहदे दौरान एक नजायज वैपन भी जिहड़ा है वह जब्त किया हैगा और जिहड़ा ये कल सफलता मिली आ इहदे च यह थाणा घुमाण दे विच एक स्पैसिफिक इनपुट के आधार पर जिहड़ा है नाकाबंदी की साडे CA इंचार्ज ने ते श्री हरगोबिंदपुर सब डिवीजन के ऑफिशियल ने। सो इहदे दौरान जिहड़ी है एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिहड़ी आ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੜੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 375 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਕਾ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਕਾ ਸੀ ਹਰਬੀਰ ਉਹ ਅਜੇ ਸਕੇਪ ਹੈ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਲਵੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਰ 3 ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਗਾਂਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗੀ ਜੋ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਹ ਆਇਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।